हाय फ्रेंड, तो चले आज बनाएंगे सैंडविच। बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट, एकदम सिंपल। तो चले फटाफट बनाते हैं सैंडविच। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक खीरा को अच्छे एक कद्दूकस कर लिया हूँ और इसको इस तरह से अच्छे से निचोड़ के पानी निकाल लेना है, क्योंकि कद्दूकस किया हुआ खीरा में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो सैंडविच में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। यहाँ पे खीरा कद्दूकस कर लिया, गाजर को कद्दूकस कर लिया और पत्ता गोभी बहुत बारीक काट लिया हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा काला मिर्ची पाउडर, और इसमें डालेंगे हम मेयोनीस। यहाँ पे 3-4 चम्मच आप मेयोनीस डाल दीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेयोनीस थोड़ा ज़्यादा डालना है इसमें, ज़्यादा मीन्स इतना डालना है कि उसके साथ पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा टमाटर सॉस 1/2 चम्मच बस, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे चिली सॉस, जस्ट थोड़ा सा। देखिए खाना का ऐसा है, कोई साइंस वाला सिस्टम नहीं है, आप कुछ भी डालो खाना टेस्ट होना चाहिए। तो ये इसे बनाइए एक बार, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो इसको अच्छे से मिला लीजिए पूरा पहले, और आप ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड ब्राउड लिया, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, सैंडविच वाला बड़ा ब्रेड चाहिए तो भी ले सकते हैं, हमने तो ब्राउन ब्रेड लिया है यहाँ पे। तो देखिए हमने जो मिलाया था उसको इसमें डाल दिया हूँ, बस इसमें स्टफिंग जो है बहुत अच्छा से करना है, जितना डालोगे टेस्ट उतना अच्छा आता है। तो देखिए तैयार है सैंडविच। अगर आपको इस तरह से खाना है कच्चा ब्रेड में तो भी खा सकते हैं, ये भी अच्छा टेस्ट आता है, और नहीं तो ऐसे तवा गरम कीजिए उसमें सेक लीजिए। तो तवा हमारा गर्म ही है, इसमें डाल दिया, इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे एक साइड, बार बार हम पलटी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कुरकुरे नहीं बनाना है, टोस्ट नहीं बनाना है, सैंडविच है तो हल्का फ्राई कर लेना है। तो कच्चे में भी खाने से बहुत टेस्टी है, और फ्राई करेंगे बस तो इसका टेस्ट और थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसको पलटी कर लेंगे, ये देखिए कलर देखिए हल्का ब्राउन आया है, तो ऊपर साइड में हम डाल देंगे थोड़ा बटर। बटर डालने से इसका टेस्ट में बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो दोनों ब्रेड में हम बटर डाल देंगे इस तरह से, आपको जितना ज़्यादा बटर खाना है उस हिसाब से डालिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए हम तो ऐसे डाल रहे हैं। इस टाइम में आग मीडियम फ्लेम में ही रखिए, हाई में मत कीजिए नहीं तो नीचे जल जाएगा। तो देखिए बटर हमने लगा लिया, तो उतार देंगे इसको और उतार के दूसरे साइड में बटर लगाएंगे। तो बटर लाना है, लगा देना है और बस ऐसे काट लेना है। तो तैयार है आपका सैंडविच, वेज सैंडविच, बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरह से बना के एक बार खाइए, अंदर में बिल्कुल सॉफ्ट होगा और बाहर हल्का क्रंचीपन रहेगा, तो खाने का टेस्ट में बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए हमारा सैंडविच तैयार हो चुका है। तो ये रही एक प्रोसेस, आपको दूसरा सैंडविच बनाना भी हम सिखा देते हैं। अभी एक ब्रेड ले लीजिए और साथ में टमाटर, खीरा, प्याज काट लीजिए, तो ब्रेड में लगाइए एक साइड में मेयोनीस, मेयोनीस एक साइड में लगाइए, थोड़ा अच्छा से डालना है इसमें। देखिए तैयार है, और दूसरे साइड में हम यहाँ पे बटर डाल रहे हैं। आप चाहे तो एक साइड में टमाटर सॉस, दूसरे साइड में बटर लगाइए तो भी अच्छा लगेगा, एज यू लाइक। तो इसमें कोई यह नहीं है, पहले ही बोला हूँ खाना में कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं चाहिए, आप जिस तरह से बनाइए खाने में टेस्ट होना चाहिए बस। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे टमाटर, प्याज और खीरा। तो पहले हम प्याज डाल देते हैं, इसके ऊपर डाल देंगे टमाटर, टमाटर के ऊपर डाल देंगे खीरा, बस सैंडविच तैयार है। बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं कम, देखिए इस तरह से डालिए, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आज खाली वेज सैंडविच बनाना सिखा रहे, फिर कभी आपको अंडा, चिकन सब सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा नमक डालिए, क्योंकि खीरा टमाटर में थोड़ा नमक चाहिए तो अच्छा लगेगा।
अगर नमक पसंद नहीं है तो मत डालिए। तो इसको थोड़ा सा काला मिर्ची पाउडर, अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा आप चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। ये ब्रेड को डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए टमाटर सॉस भी हम थोड़ा डाल रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, और पसंद है तो डालिए, तो इसका टेस्ट में बहुत मज़ा आता है। तो बस तैयार है आपका, अगर आप चाहे तो ऐसे कच्चा खाइए, और नहीं तो सेक के खाना चाहे तो सेक के भी खा सकते हैं, टेस्ट दोनों में आएगा। तो दोस्तों रेसिपी अच्छा लगने से ज़रूर लाइक करें, और रेसिपी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये देखिए कितना अच्छा से तैयार हो चुका है, अगर आपको लेटिस पत्ता पसंद है तो वो भी डाल के खा सकते हैं। तो देखिए सैंडविच तैयार है, अगर YouTube में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, Facebook में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो